हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यार डेंटल के ऊपर है। अगर आप एक डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा, राइट? सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम टॉप कॉलेजेस के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रफली, क्योंकि पार्ट वन है, पार्ट टू में हम बात करेंगे कि डेंटिस्ट होता क्या है, कौन कौन से ऑप्शन हैं। लेकिन इसमें जल्दी से हम जान लेते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो एक डेंटिस्ट बनने का, राइट? सो सबसे पहले इसको जान लीजिए, आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं और एम डेज भी कर सकते हैं, मतलब मास्टर डिग्री भी आप इसमें कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली ये होता क्या है, डायग्नोसिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज विच इज रिलेटेड विद ओरल केविटी, राइट? जैसे कि डेंटिस्ट आपने सुना होगा, दांतों का डॉक्टर, आसान भाषा में यार अगर हम बोले इसको तो आप एक दांतों के डॉक्टर बनते हो। लेकिन अगेन ये कोर्स अगर आप बायोलॉजी से हैं या बायो बैकग्राउंड से हैं तो MBBS के बाद, MBBS फार्मेसी के बाद ये कॉलेज आप इसको इस कोर्स को चूज कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन तो है। बट लास्ट 4-5 सालों में अगर हम देखें तो डेंटिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में निकले हैं, जिस वजह से इस कोर्स की वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन हुई है और अब BUMS, BHMS और BAMS जैसे कोर्सेज कहीं ना कहीं ज्यादा मोर पॉपुलर हुए इसमें। सो ये सारे कोर्सेज ऑप्शंस हैं अगर आपके पास, अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हो तो। पहला फार्मेसी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, BUMS, BHMS, BAMS, ये भी एक आप क्योंकि डॉक्टर बन जाते हो अगर आप MBBS नहीं कर पाते और उसके बाद भी अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप एक डेंटिस्ट बन सकते हैं, कर सकते हैं। जल्दी से इसको जान लेते हैं, सर्टिफिकेशन को अगर हम कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आप सर्जरी से रिलेटेड, डेंटल सर्जरी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो और किसी अंडर, किसी भी डॉक्टर के अंडर, डेंटिस्ट के अंदर वर्क करके आप कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को सीख सकते हैं। डिप्लोमा आप कोर्स यहां पर कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है जैसे डेंटल हाइजीन एंड डेंटल मैकेनिस्ट, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें यहां पर बैचलर कोर्सेज की तो ये भी आप यहां कर सकते हैं, मतलब बैचलर आप एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट बनेंगे और ये आप 12th के बाद डायरेक्टली कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ये तीन सब्जेक्ट को मिला के आपके मिनिमम 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आप OBC, SC, ST में आते हो मेरे भाई तो यहां पर आपके कम परसेंटेज भी चलेगा, राइट? सो कम परसेंटेज में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मास्टर, तो जैसे कि मास्टर में आपको समझ में आ रहा है, पहले बैचलर डिग्री करना पड़ेगी, इसके बाद आप मास्टर कर सकते हो, वो भी अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि मास्टर्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप वो भी कर सकते हो। डॉक्टरेट कोर्स भी आप इसमें कर सकते हो जिसमें आपका कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 50 or 6 CGPA इन देयर मास्टर्स में, जब आपका होगा तब आप इसमें डॉक्टर और PhD कर सकते हैं। सो अगेन बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताएं, लेकिन अगर हम पॉपुलर कोर्सेज की बात करें, राइट, इसमें कौन कौन से हैं, UGPG डॉक्टर में तो वो मैं आपको बता देता हूं, सर्टिफिकेट कोरल में है, ओरल इम्प्लांट एनेस्थेटिक डेंटिस्ट्री, लेजर डेंटिस्ट्री, ये आपके पॉपुलर सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। डिप्लोमा की अगर बात करें, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन, डिप्लोमा डेंटल मैकेनिक्स और PG अगर कोर्सेज की बात करें, PG डिप्लोमा इन एनेस्थेटिक डेंटिस्ट्री, सॉरी मुझे नाम भी समझ में नहीं आ रहा है यार, सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई हैव कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम है सा बोलने में। ओके, सो अगर हम बाकी कोर्सेज की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे UG कोर्सेज में बैचलर इन डेंटल सर्जरी, ये एक सबसे ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि एक डिग्री कोर्सेज है ये, और PG कोर्सेज की अगर हम बात करें तो मास्टर इन डेंटल सर्जरी ये आप कर सकते हैं। अब इनकी ड्यूरेशन कोर्स कितनी होती है, राइट? अगर आप डिग्री कोर्सेज करना चाहोगे भैया तो ऑब्वियसली 4 साल का होगा, लेकिन डिप्लोमा करना चाहोगे तो 2 साल का होगा, और ये भी 12th की बात कर सकते हो, वो भी 12th की बात कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम UG जैसे कोर्सेज की बात करें, सो डिप्लोमा 2 साल में, लेकिन UG में 4 से 5 साल लग जाते हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर 4 साल देती है, बट कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो 5 साल देती हैं। तो डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आप जा रहे हो, 4.5-5 साल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, राइट? सो PG की अगर हम बात करें तो 3 साल आपको लगेंगे, डॉक्टरेट में 3 से 6 साल आपको लगेंगे। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पर एवरेज फीस की अगर हम बात कर लें, सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बहुत कम रहती है यार, डिपेंड करता है, मतलब आपकी 5,000 से लेके आप ये समझ लीजिए 3 लाख तक होती है। अब अगर हम बात करें
यहाँ पर कि डिप्लोमा कोर्सेज की क्या फीस होती है। तो अगेन ये भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप लेना चाह रहे हो, यहाँ पर डिपेंड करेगा 3 लाख से 10 लाख के बीच में। और अगर हम पीजी की बात करें, मतलब एक डिग्री कोर्सेज की बात करें, सो आपको यहाँ पर ये मिल जाता है जैसे अभी डिग्री तो मैंने बता दिया है, 1 से 6 लाख तक की रेंज में आपको मिल जाएगा। बट पीजी की अगर हम बात करें मास्टर कोर्स की, तो 10 से 25 लाख, और डॉक्टरेट आपको काफ़ी कम में हो जाता है। कई इंस्टीट्यूट हैं जो 20-20 हज़ार की फीस में भी करा देते हैं, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी। अब अगर बात करें यार कि एग्जाम्स कौन कौन से देने होंगे अगर आप इस कोर्स का प्लान कर रहे हो, तो देखो यार स्पेसिफिक इसका एग्जाम तो कोई नहीं होता है, क्योंकि इन तमाम कोर्सेज के लिए अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो एक बात चीज समझ लो आप, अच्छे से ये दिमाग में आप डाल लो कि आपको नीट देना होगा। नीट के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जाके आप उसे देख सकते हो। नीट देने से फायदे क्या है कि आप MBBS में तो आपको मिल ही सकता है, अगर अच्छे परसेंटेज आते हैं। नहीं आए तो डेंटल भी आप इसमें कर सकते हो, फार्मेसी भी कर सकते हो, BHMS, इन तमाम चीजों के लिए एक नीट एग्जाम्स होता है। तो नीट आपको देना है, ऑफलाइन ये एग्जाम्स होता है। इसके अलावा SAT, ये एग्जाम भी आप दे सकते हो, ये भी करीब करीब अप्रैल मई में होता है। और इसके अलावा एक और होता है RUET, राइट। सो ये तमाम एग्जाम जो है ये आप डेंटिस्ट अगर बनना चाहते हो, डेंटल के लिए आप दे सकते हो, राइट। कुछ कॉलेज हैं टॉप लेवल के, कॉलेज कौन से हैं ये हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं। ये NIRF ने एक रैंकिंग सिस्टम निकाला था और वहाँ पर टॉप कॉलेजेस बताए थे कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, ये कॉलेज किस बेसिस पे दिए जाते हैं, राइट। यहाँ पर टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज और ये बहुत सारी चीज़ें, एक पैरामीटर्स होता है जिसके आधार पर ये कॉलेजेस की रैंकिंग डिसाइड होती है कि इंडिया में टॉप लेवल के कॉलेजेस कौन कौन से। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, इसकी फीस भी करीब 7 लाख है, मौलाना की 1 लाख है। DY पाटिल विद्यापीठ पुणे में ये कॉलेज है। इसी के अलावा अगर आप बातें सबिता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस, चेन्नई में ये कॉलेज है। ABSM इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, ये कॉलेज है। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये भी है। नेहर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज। सो ये जो कुछ कॉलेज है, ये कॉलेज टॉप लेवल के कॉलेज है। ये जैसे नेहर कॉलेज आता है 8वें नंबर पे, SRM डेंटल कॉलेज आता है 9वें नंबर पे, JSS डेंटल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल 10वें नंबर पे आता है, MS रमैया यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंस 11वें नंबर पे आता है। इसके अलावा अमृता स्कूल ऑफ ये जो कॉलेज है, अमृता स्कूल ऑफ डेंटल का, ये आता है 13वें नंबर पे। सो गाइस कुछ टॉप कॉलेज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। टॉप 50 कॉलेज की लिस्ट में यहाँ पर नीचे डाल दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपके जहन में, दिमाग में आता है, तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसको जाके पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर दी गई है कुछ ज़रूरी बातें। और अगर कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe.